नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में पार्टियां जो है वो चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, लगातार क्षेत्रीय का दौरा कर रही है और अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील कर रही है। इस बीच चिराग पासवान जमुई दौरा करने के लिए पहुँचे, जहाँ उन्होंने चकाई विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधन करते हुए वोट करने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है और मैं अब इस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं और बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। विशेष क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आप खुद सुनिए। तो आपने सुना, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने लगातार यह कह रहे हैं कि जो नीतीश सरकार है वो बिहार को घोटाले की गढ़ बना चुकी है और लगातार बिहार में घोटाले की जो बातें हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोजपा को वोट करें और लोजपा को भारी मतों के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिताए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।